हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड गरम मसाला की रेसिपी, जो कि हर इंडियन डिश में ज़रूर यूज़ होता है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। तो आप इसको घर पर कैसे बना सकते हैं ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन को अच्छा सा हीट करेंगे। इसके बाद इसमें चार बड़े साइज़ की यहाँ पर मैंने दालचीनी ली है, वो इसमें डाल देंगे। डेढ़ यहाँ पर मैंने लिया है जायफल, वो भी इसमें डाल देंगे। 20 यहाँ पर ली है मैंने हरी इलायची। 5 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ली है लौंग। बाकी सारे मसालों से लौंग की क्वांटिटी जो है वो हमें एकदम कम लेनी है, क्योंकि लौंग का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी के साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पर 2 पीस सूखे अदरक के, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। 2 छोटे साइज़ के पीस यहाँ पर मैंने लिए हैं, इससे हमारे गरम मसाले में खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। तो इस सारे मसालों को 4 से 5 मिनट के लिए हम एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, इससे हमारे मसाले में बहुत अच्छा क्रंच आएगा और इनका फ्लेवर भी इन्हेंस होगा। देखिए यहाँ पर मसाला क्रैक होना शुरू हो गया है, तो इसको 1 से 2 बार हम अच्छे से टॉस कर लेंगे। देखिए जब मसाले में इस तरह का धुआं ऊपर आने लगे तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से सेम पैन को हम अच्छा सा हीट करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम 5 चम्मच ये शाही ज़ीरा, 5 बड़े चम्मच। 5 फूल यहाँ पर मैंने ये जावित्री के लिए हैं। 5 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है ये साबुत धनिया। साबुत धनिया डालने से जितने भी हमने इसमें गरम मसाला यूज़ किए हैं सभी के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को ये बैलेंस करेगा, और रोस्टेड धनिया से हमारे गरम मसाले में जो है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये सारे मसालों को हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें चाहें तो तेज़पत्ता और काली इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काली इलायची का फ्लेवर जो है वो हर डिश में नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। देखिए ज़ीरा और धनिया दोनों ही गोल्डन होना शुरू हो गया है, तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद एक ग्राइंडर में जो हमने मसाला रोस्ट किया था वो हम डाल देंगे। इसमें जो मैंने अदरक और दालचीनी यूज़ की थी इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, ताकि इसका पाउडर बनने में आसानी हो। ज़ीरा और धनिया भी जो हमने रोस्ट किया था वो भी इसमें डाल देंगे, और इसको कवर करके इसका एक फाइन पाउडर हम रेडी कर लेंगे। देखिए एकदम बारीक पाउडर मैंने इसका बनाया है। इसके बाद ये गरम मसाला हमारा बनकर तैयार है, और ये गरम मसाला बनाकर आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।